आज भाजपा नेतृत्व का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पेवा विधानसभा क्षेत्र में कमलजीत अजराणा को टिकट दिया था और जिसकी जो गतिविधि थी वो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान सेना के साथ गुलछरिया उड़ा रहा था और उसने माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अपशब्द किए और खट्टर साहब के खिलाफ भी उन्होंने प्रचार किया और वो अपशब्द किए और वो सारा जातियों के खिलाफ भी उन्होंने कटु और उसने जो गुरुद्वारा में भी उन्होंने घुस करके उपद्रव किए उसको देखते हुए हमने सारी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी में ले आई और मीडिया में भी हमने कहा कि ये एक उपद्रवी और देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है और इसको जो टिकट दिया गया है वो कैसे दिया गया हमें समझ नहीं आया कि राष्ट्रवादी पार्टी एक देश के खिलाफ उपद्रव मचाने वाले किसान आंदोलन में भी इसने बहुत बड़ी उपद्रव मचाया था जो इसने खुद भी स्वीकार किया। तो जो भारतीय किसान यूनियन के केंद्रीय नेतृत्व ने जो इसका टिकट वापस लिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और उन्होंने एक शरारती और उपद्रव और दो जातियों के अंदर उपद्रव फैलाने वाले और वो जिस तरह से गुरुद्वारे में बैठकर गतिविधि कर रहे हैं उसका टिकट वापस लिया और देश के एकता अखंडता के लिए चुनाव कोई भी लड़े पार्टी कोई भी लड़े लेकिन जिस तरह से देश के खिलाफ उपद्रव और देश को तोड़ने की ताकतें करेंगे उसके खिलाफ हर पार्टी को सोचना चाहिए कि वो देश का बुरा ना मानने वाला दो बिरादरियों में जहर फैलाने वाला और गुरुद्वारा साहब में बैठ करके इस तरह के उपद्रव मचाने वाले को टिकट काटे इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सही निर्णय और फैसला लिया।